नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे लौकी का रायता, जो पहले लोग शादी पार्टियों में बनाते और ख़ास करके गर्मियों में इसको खाना चाहिए। लौकी के रायता को ये बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है। ये लौकी लिया हुआ है, अब हम इसको काट लेंगे। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम काट लेंगे टुकड़े में। तो हमने इतना काट लिया है और इसके उतार लेंगे छिलके। तो हम इस तरह छिलके उतार लेंगे। तो हमने छिलके उतार लिया है, अब इसको धुल लेंगे। तो हमने धुल लिया है लौकी को छिलके। और ये है कद्दूकस, तो मेरा छोटा कद्दूकस है, आप बड़े कद्दूकस में कर सकते हैं। और मैं इस तरह कद्दूकस कर लूँगी, मेरे पास बड़ा वाला कद्दूकस नहीं है, छोटा वाला ही है। तो ये हमने कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। अब एक बर्तन में हम लौकी को डालेंगे, तो हमने डाल लिया है। अब इसमें डालेंगे पानी, हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हम पानी कम ही डालेंगे क्योंकि लौकी भी पानी छोड़ती है, तो हम थोड़ा ही पानी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हम आधा स्पून हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे हम थोड़ा सा, और इसको मिक्स करेंगे लौकी के साथ नमक और हल्दी को। अब इसको हम गैस पे रख देंगे, ढक के पकाएंगे थोड़ी देर तक, जब तक लौकी अच्छे से पक ना जाए। तुरंत लौकी है फटाफट पक जाती है, तो हमारी लौकी पक गई है, देखिए हम दिखा रहे हैं, ये देखिए अच्छे से पक गई है। तो हम गैस को बंद कर देंगे और भगोनी को उतार लेंगे। तो उतार के हम अब लौकी को एक थाली में निकाल लेंगे, हम सारी लौकी को ऐसे ही निकाल लेंगे और फैलाते जाएंगे। हमने लौकी को निकाल लिया है और फैला देंगे, 5 मिनट के लिए ठंडा होने को छोड़ देंगे। तो हमने अब ये लिया है, तवा चढ़ा दिया है गैस पर, और ये है जीरा, तो हम जीरा भूनेंगे। हम जीरा चटकने तक भूनेंगे, हमें मीडियम फ्लेम में भूनना है। हमारा जीरा चटक चुका है, हम इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे धनिया, खड़ी धनिया, तो हम थोड़ा धनिया डालेंगे, 1 स्पून, छोटी स्पून में, ज़्यादा नहीं धनिया डालना है। और इसको भी चटकने देंगे, तो धनिया भी निकाल लेंगे, हमारी धनिया भुन चुकी है। अब इसमें डालेंगे 1 स्पून मेथी दाना, मेथी दाना हमें 1 स्पून ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो कड़वा लगने लगता है। तो हम 2 स्पून जीरा डाला था, 1 स्पून मेथी दाना, हमारे मेथी दाना भी भुन चुके हैं, हम इसे भी निकाल लेंगे और इसका पाउडर बनाएंगे। तो देखिए हमने पाउडर बना लिया है मसालों का, और हमने अब ये गैस बंद किया हुआ है, और हमारा वही तवा है तो ये गर्म है हल्का, हमें आग गैस चालू करके नहीं सरसों को भूनना। तो हम सरसों लिया है और 3 स्पून डाला है, तो हम सरसों को ऐसे ही गर्म तवे में ही पकाएंगे, कलर भर चेंज होगा हल्का सा, ज़्यादा नहीं हमें पकाना है। तो हमारे सरसों पक गए, हम निकाल लिया है और इसका भी पाउडर बना लेंगे। तो देखिए हमने पाउडर बना लिया है, अब इसको डालेंगे एक उसी बर्तन में मसालों के साथ। और ये है चिली फ्लेक्स, हमने चिली फ्लेक्स लिया है, आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर। और ये है लहसुन, हमने लहसुन को कूट लिया था, तो ये लहसुन है 7 से 8 कली। और ये मेरा घर का दही है, मैंने घर में जमाया था, तो इसको हम मथ लेंगे मथनी से पानी डालकर। तो देखिए हमने मथ लिया है दही को, हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। लौकी का रायता लोग इसी तरह छास से ही बनाते थे, थोड़ा पानी डाल के उसका छास बनाते हैं, फिर बनाते हैं। और ये हम एक बर्तन रख दिया है गैस में गरम होने को, और उसमें डाल दिया सरसों का तेल। तो हम गरम हो गया हमारा सरसों का तेल, अब हम इसमें जीरा डालेंगे। और ये है लहसुन, तो हमने लहसुन की कलियां 5-6 कलियां लिया था, उसको काट लिया छोटा छोटा, उसको डालेंगे। और ये है हींग, तो हम हींग डालेंगे तड़के में। हल्दी पाउडर है, तो हम हल्दी पाउडर 1/2 स्पून डालेंगे, और अच्छे से तड़के को पकने देंगे। तो हमारा तड़का पक गया, हम लगा देते हैं तड़का। तो
हमने छाछ में तड़का लगा दिया है। ये देखिए हम थोड़ी देर तड़का लगाने के बाद, थोड़ी देर हमको ढक के रखना था तो हमने रखा था ढक के, उससे अच्छे से खुशबू आ जाती है तड़के की। और ये अब हमारे मसाले हैं जो हमने बनाया हुआ था, तो इसको भी डाल देंगे छाछ में, और मसालों को हम अच्छे से छाछ में घोल देंगे। नमक है तो हम नमक डाल देंगे, हम नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लौकी में भी नमक डाला हुआ था, फिर ज़्यादा हो जाएगा। और ये हमारी बॉयल की हुई लौकी है तो अब ठंडी हो गई है, हम इसका पानी निचोड़ कर ऐसे और डालेंगे छाछ में। ये देसी लौकी का रहता है, लोग देसी तरीके से इसी तरह बनाते हैं तो हमने भी इसी तरह बनाया है, हमारी मम्मी ऐसे ही बनाती है। हम लौकी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब इसको हम ढक के ओवरनाइट रख देंगे। इससे अच्छे से सेट हो जाता है और टेस्ट भी अच्छे से आ जाता है, नहीं तो वो मसाले कच्चे रहते हैं तो कड़वा रहता है। तो हमारा रायता बनकर तैयार है, देखिए 12 घंटे हो गए हैं ओवरनाइट के बाद हम इसको खोला है, तो अब इसको हम खा सकते हैं। तो हमारा देसी तरीके से हमने आज बनाया है लौकी का रायता, और इसका देखिए कलर भी उभर कर आया है अच्छे से, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये रायता। और तो मेरा वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें।